और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव आते ही ममता बनर्जी ने अपना राग बदल दिया है। ममता बनर्जी अब चंडी पाठ कर रही है। जय श्री राम के नारे से भड़कने वाली ममता दीदी अब लोगों को अपने हिंदू होने का यकीन दिला रही हैं। उन्होंने कहा है, मैं हिंदू की बेटी हूँ, चंडी पाठ करके ही घर से बाहर निकलती हूँ। सियासत में कहावत है कि राजनीति क्या ना करवाए, और अब देखिए ममता बनर्जी किस तरीके से हिंदू राग अलाप रही है। हार का डर सताया तो भगवान याद आए। ममता दीदी घबराई तो चला हिंदू कार्ड। हिंदू वोट के लिए दीदी का चंडी पाठ। मंदिर से मजार, ममता के डर हजार। ममता दीदी को आपने सार्वजनिक मंचों से पूजा पाठ और धर्म कर्म की बातें करते कम ही देखा होगा, लेकिन बंगाल के चुनावी घमासान में इस बार तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। राम के नाम से ही चिढ़ने वाली ममता भगवान को याद कर रही हैं। नंदीग्राम के लोगों को यकीन दिला रही हैं कि वो पूजा पाठ भी करती हैं, दुर्गा काली का नाम भी ले रही हैं। आमी सकाल बेलाय चंडी पाठ करे तबे किंतु बाड़ी थेके बेरो, एटा मने राखबेन। ऐसा नहीं कि ममता ने सिर्फ हिंदू वोटरों को ही खुश करने की कोशिश की हो, उनकी नजर नंदीग्राम के मुस्लिम वोटर्स पर भी है, इसीलिए वो मंदिर में पूजा पाठ करने के साथ साथ मजार पर चादर चढ़ाना भी नहीं भूले। ममता की इस मंदिर और मजार वाली सियासत की अब वजह भी समझ लीजिए। दरअसल नंदीग्राम में 70% हिंदू वोटर हैं, जबकि 30% मुस्लिम हैं। अगर कुल वोटरों की बात करें तो 213,000 वोटरों में 151,000 हिंदू वोटर हैं और 62,000 मुस्लिम। ममता को डर है कि कहीं नंदीग्राम में हिंदू मुस्लिम बंट न जाए। अगर ऐसा हुआ तो 70% वोटरों की मदद से शुभेंदु ममता की परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ममता जहां खुद को हिंदू साबित करने में जुटी हैं, तो मुस्लिम वोटरों को भी खुद से जोड़कर रखने की जद्दोजहद कर रही हैं। ममता की मंदिर मस्जिद वाली भागदौड़ पर अब बीजेपी तंज कस रही है। मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री, जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करे। सवाल ये कि जो ममता कल तक विकास के दम पर चुनाव जीतने का दम भर रही थी, आखिर उन्हें मंदिरों और मजारों वाली सियासत की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ममता दीदी के 10 साल विकास के दावों में इतना दम नहीं कि वो उन्हें चुनाव जिता पाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए ममता बनर्जी जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर के चंडी पाठ कर रही हैं और कह रही हैं कि घर से बाहर निकलने से पहले मैं चंडी पाठ करके ही निकलती हूँ, उस पर गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी कितनी कंफ्यूज है, नर्वस हो चुकी है, वो सोच नहीं पा रही कि मंदिर जाए या फिर मस्जिद। चुनाव के चलते ममता को क्या क्या करना पड़ रहा है, देखिए अब ममता बनर्जी को चंडी पाठ भी करना पड़ रहा है और जय श्री राम के नारे भी लगवाने पड़ रहे हैं, और चुनाव के चलते ये सब कुछ ममता बनर्जी कर रही है ताकि 70% जो हिंदू वोटर्स हैं नंदीग्राम के, उन्हें ममता बनर्जी रिझा सके। अरे मोदी, बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। बाहरे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। बाहरे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। तो गिरिराज सिंह को सुना आपने, अब ममता बनर्जी के हिंदू वाले बयान के ऊपर बीजेपी उन्हें घेर रही है, कांग्रेस भी छोड़ नहीं रही है। मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, परिचय सबसे पहले आपका करवा देती हूं, क्योंकि कोलकाता में श्वेता इस वक्त मौजूद है, वहां की आवाज श्वेता बताएंगी, रोहित भी साथ हैं, रमन भी इस वक्त साथ हैं। श्वेता आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, अभी फिलहाल कोलकाता में ये जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के नई जंग छिड़ी हुई है और ममता बनर्जी का ये जो हिंदूवादी रूप दिखाई दे रहा है, उसे लेकर के प्रतिक्रिया लोगों की क्या आ रही है?
शालिनी कोलकाता में मौजूद थी, अभी फिलहाल मैं फुरफुरा शरीफ पहुंच चुकी हूं और यहां पर अगर कहें फुरफुरा शरीफ या कोलकाता जिसका जिक्र आपने किया, देखिए फाइट इस बार काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे ममता बनर्जी को, क्यों मंदिर मस्जिद की जरूरत पड़ी, क्यों ममता बनर्जी को बोलना पड़ा कि वो हिंदू हैं और हिंदू कार्ड उनके साथ ना खेला जाए, क्यों चंडी पाठ करना पड़ा, ये तमाम सवाल ऐसे उठ रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ फुरफुरा शरीफ में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो है वो अपने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट करेंगे, अपने पार्टी का लोगो जो है वो जारी करेंगे। मैं तब से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अंदर खाने खबर आ रही है कि यहाँ पर भी कुछ तो अंदर पक रहा है, क्योंकि अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। नंदीग्राम सीट जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, जिसके लिए अब्बास सिद्दीकी कह चुके हैं कि उन्हें जरूरत पड़ी तो वो अपने कैंडिडेट यहां से उतारेंगे और दीदी को चुनौती देंगे, लेकिन अब कुछ और ही गड़बड़ झाला लग रहा है। लग रहा है कि शायद अंदर खाने कुछ तो सेटिंग चल रही है, क्योंकि कैंडिडेट अनाउंसमेंट अगर आपको करना है तो आपको क्लियर करना होगा नंदीग्राम से कौन खड़ा होगा। हालांकि पीरजादा ने कहा कि देखिए मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं एक धर्मगुरु हूं, पीरजादा हूं, लेकिन मैं अपना एक व्यक्ति जरूर खड़ा करूंगा उसके लिए, मतलब दीदी को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे, दीदी को रोकना ही उनका एक मकसद है। लेकिन अब जब गेम पलटता नजर आ रहा है तो अंदर खाने कुछ तो सेटिंग चल रही है, यानी साम दाम दंड भेद सब कुछ इस बार पश्चिम बंगाल में अपनाया जा रहा है। इंतजार मेरे ख्याल से श्वेता थोड़ा और करना होगा, जब ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल कर ले तो उसके बाद क्या कहा जाता है, फुरफुरा शरीफ से क्या और खबर सामने आती है। दीपिका का रुख करते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हैं। दीपिका क्या बड़ी खबर है आपके पास? अनुराग देखिए, इससे पहले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसा ममता बनर्जी के चंडी पाठ पर, और अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन भी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि खुद को ब्राह्मण पुत्री साबित करने में ममता बनर्जी तुली हुई है, चुनाव नजदीक है इसीलिए ये सारी चीजें ममता बनर्जी एक के बाद एक कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का ममता पर निशाना, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि खुद को ब्राह्मण साबित करने में लगातार ममता बनर्जी लगी हुई है, खुद को हिंदूवादी साबित करने में ममता बनर्जी जुट गई हैं। पहले ममता ने हिजाब पहनकर दिखाया और अब देखिए चुनाव को देखते हुए ममता ने अपना पूरा का पूरा रवैया हुलिया ही बदल दिया। सुनिए, ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। मजबूरी का नाम सुक्रिया और उसका नतीजा ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पड़ती कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती है। तो ये सारे चीज सिर्फ चुनाव की मद्देनजर आम लोगों को अपने वोट बैंक बनाने की कवायद शुरू हुए हैं। मैं पहले भी ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी पार्टी आने के बाद ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूं। रमन हमारे सहयोगी लगातार हल्दिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां से ममता बनर्जी को नॉमिनेशन फाइल करना है। लेकिन ममता बनर्जी जो कि कभी जय श्री राम के नारे से कभी भिदक जाती थी, रमन अचानक मंदिर पहुंच जाएंगी चुनाव में, तो ये तो उन्होंने खुद मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को सवाल उठाने का। देखिए सवाल सबसे बड़ा है कि उन्हें जीतना है, और इस वक्त जो वोटों का समीकरण है या फिर जो सारे समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं उसे साफ होता है कि अगर वो हिंदू वोट को नहीं साधती हैं, 70% वोट को नहीं साधती हैं, तो उनके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। और इस वक्त आपको रोहित का रुख करना है, ममता बनर्जी मंदिर पहुंच चुकी है, रोहित तस्वीरें दिखाइए। शाली मैं बता दूं, ममता बनर्जी किसी भी मोमेंट में मंदिर के अंदर आ सकती है, मंदिर के बाहर हलचल तेज हो चुकी है। ये देखिए सिक्योरिटी उनकी आ चुकी है जो अब फाइनल क्रॉस चेक कर रही है, और वहां पे भी देखिए जो महिलाएं खड़ी है उनकी भी हलचल तेज हो चुकी है। साथ ही साथ गेट पर सबकी निगाहें हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, साइड किया जा रहा है। किसी भी मोमेंट दीदी अंदर आ सकती है मंदिर परिसर। आप देख सकते हैं बाबा भोले के मंदिर परिसर में जो पूजा अर्चना चल रही थी, वहाँ से जो आम लोग हैं उन्हें वहाँ से अब हटाया जा रहा है धीरे धीरे करके। पंडित जो यहाँ पे हैं जो पूजा करवा रहे हैं उनकी भी मूवमेंट तेज हो गई, लोगों को अब कहा जा रहा है कि यहाँ से पूजा करने के बाद वो बाहर की ओर जाए, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, उन सब का भी वैल्यू अभी ख्याल रखना है। दूसरी तरफ ये देखिए वो एक महिला कर्मचारी दिख रही है, वो दीदी की सिक्योरिटी में तैनात है, और वो भी
बार बार लोगों से कह रही है कि अब यहाँ से लोगों को हटना होगा, क्योंकि अब जिन्होंने दर्शन कर लिए उनके दर्शन हो चुके हैं, लेकिन बीच में हो सकता है अभी दर्शन रोके जाएंगे लोगों के। और किसी भी मोमेंट में, बार बार कह रहा हूँ, इन तस्वीरों के साथ मैं आपको कनेक्ट करके रख रहा हूँ, किसी भी मोमेंट दरअसल ये जान लीजिए कि दीदी मंदिर परिसर में आ सकती है। देखिए महिलाओं में आप देख सकते हैं कि महिलाओं में हलचल तेज़ हो चुकी है, और जितने भी लोग मंदिर परिसर में हैं वो दरअसल दीदी को भी देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों में उत्साह भी और लोगों के अंदर जहन में सवाल भी है कि दीदी का ये रूप, दीदी में ये परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन की बात तो दरअसल बीजेपी कर रही थी, लेकिन दीदी में ये परिवर्तन इतनी जल्दी नजर आने लगा और इसका असर क्या हो सकता है। ये देखिए मंदिर परिसर अब खाली हो रहा है। एक बार मैं कहूँगा कि थोड़ा जूम इन करके दिखा दे, बाबा भोले के दर्शन भी करा दे, क्योंकि अभी दीदी यहीं पर आके जलाभिषेक करेंगे। उससे पहले वो देखिए जितने भी फूल वूल अर्पण है उनको वहाँ पे थोड़ा सा साइड किया जा रहा है। पंडित को भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि अभी दीदी आने वाली है। और उससे पहले एक फाइनल क्रॉस चेक हो रहा है, शालिनी ये बता दूँ, फाइनल क्रॉस चेक हो रहा है। और इस क्रॉस चेक के बाद किसी भी मोमेंट, चूँकि दीदी का जो टाइम था वो था 11:45 और अब लगभग 12:11 हो चुके हैं, यानी वक्त से वो अभी लेट है। और लेकिन हालांकि इस बीच में किसी भी वक्त दीदी आ सकती है। देखिए ये देखिए अब पुजारी भी जो है पूजा करने से रोक रहे हैं, क्योंकि अभी किसी की एंट्री अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी सबसे पहले दीदी यहाँ पहुँचेंगी और दीदी के पूजा पाठ के बाद दीदी को यहाँ से हल्दिया निकलना है, नॉमिनेशन फाइल करनी है, उसके बाद वापस फिर वो दीदी वापस फिर नंदीग्राम आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कई चुनावी जनसभाएँ हैं, उन सभाओं को उनको संबोधित करना है। उधर थोड़ा सा लेफ्ट करके मैं दिखाऊंगा, गेट की तरफ, मेन गेट की तरफ, मंदिर परिसर में एंट्री की तरफ, वहाँ पे देखिए हलचल तेज़ हो चुकी है। देखिए इस तस्वीर को शालिनी इस तरह तौर पे भी अहम मान सकते हैं, क्योंकि अमूमन जब से हमने कहा ना कि नंदीग्राम के इतिहास को जिन्होंने जाना या फिर नंदीग्राम को जो समझते हैं, यहाँ पे TMC का गढ़ इसे माना जरूर जाता है, लेकिन TMC से पहले 35 साल वो वक्त था जहाँ पे आपको ये नहीं भूलना होगा कि ये वामपंथियों का गढ़ था और वामपंथी यहाँ पे सत्तासीन थे। ये देखिए पूजा की थाल आ गई, बताशे हैं जो यहाँ पे पूजा में चलते हैं, लोगों को प्रसाद उसके बाद दिया जाता है। ये देखिए बताशों से भरी थाल है, उसके बाद जलाभिषेक जो होगा उसके लिए जितनी भी फूल है, पुष्प है, सिंदूर है, घी है, इन सब को लेकर अभी जो यहाँ पे पुजारी है वो अंदर गए हैं। और इसके बाद ये पूजा पाठ जो है लगातार अभी दीदी के आने के बाद जारी रहेगा। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बिल्कुल। तो मंदिर की ये तस्वीरें रोहित लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा सामग्री का भी इंतजाम पुजारी कर रहे हैं, जो आम लोग दर्शन कर रहे थे उन्हें वहां से बाहर हटाया जा चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री दर्शन करने पहुंच रही हैं, तो सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त हैं और नॉर्मल प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना है। सीधी तस्वीरें शिव मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं। कल शिवरात्रि, उसके ठीक पहले भगवान शिव के दरबार में ममता बनर्जी और एक तीर से दो निशाने, या फिर यूं कहें कई निशाने यहां पर लगाती हुई ममता बनर्जी आज दिखाई देंगी। और अलग अलग मंदिर जाकर ममता बनर्जी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो किस तरीके से देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रही है। हालांकि वो ये नहीं भूलती हैं कि उन्हें मजार पर जाना है, वहां जियारत करनी है, उसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रमन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक तीर से कई निशाने दागने की कोशिश कर रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर दो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये ममता दीदी के समर्थक हैं जो पहुंचने यहाँ पर शुरू हो गए हैं, और ये इनका केला होबे के नारे के साथ साथ आज नॉमिनेशन फाइल होना है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहाँ से हैं आप लोग? नंदीग्राम से, हरिपुर पायनावांचल से। क्या दीदी के समर्थन में नॉमिनेशन होगा? हाँ, दीदी के साथ। और वो दादा क्या कह रहे हैं वहाँ खड़े होकर? उधर सबको दीदी का साथ। आप किसके साथ हैं? दीदी दादा है, दीदी का एक लक्ष वोटे जीतबे, एक लक्ष वोटे नंदीग्राम থেকে এক লক্ষ ভোটে জিতবে। ওই आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए, TMC के नॉमिनेशन होना है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि सारे लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, बड़ी संख्या में इस रोड शो को करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए बड़ी संख्या में बसों में भर भर के अब लोग यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। हल्दिया की ये सीधा तस्वीर अनुराग आपको दिखा रहे हैं, और ये पूरा का पूरी जो सड़क है ये दीदी के झंडे और बैनरों से ढकी हुई है।
बिल्कुल, तो दीदी के झंडे बैनर पोस्टर से पटे हुए यहाँ पर बाजार दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही वक्त में जैसे ही ममता बनर्जी शिव मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगी, रोहित से हम फिर कनेक्ट करेंगे और फटाफट आपको वहां भी लिए चले गए। लेकिन अभी प्रत्युष का रुख कर लेते हैं जो कि नंदीग्राम में ही मौजूद है। प्रत्युष, उत्साह उमंग उतना ही जितना पहले था, कुछ और बड़ा या घटा है? शालिनी, पहले मैं बता दूं कि मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां से ममता बनर्जी निकल करके महादेव मंदिर में जाएंगी पूजा अर्चना करने के लिए, और उसके बाद ही यहां से वो हल्दिया के लिए रवाना होंगी। यहीं से, इसी रास्ते से, थोड़ी देर पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, यहां पर झंडे पोस्टर बैनर थे, लेकिन अब देखिए एक लाइन से कतार में यहां पर आपको लोग खड़े हुए नजर आएंगे। पुलिस फोर्सेज है सिक्योरिटी के लिए यहां से, लेकिन अब उस तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये बीच का रास्ता है जाने के लिए नंदीग्राम, ये आगे की तरफ रास्ता निकल जाता है, और ये रास्ता सड़क के इस पार ये मंदिर की तरफ निकलता है। यहां की भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि यहां पर महिलाएं खड़ी हैं जो शंख बजा रही हैं, कुछ ढोल मंजीरे के साथ कुछ लोग यहां पर आए हुए हैं, कुछ लोग पारंपरिक बिल्कुल लिबास के साथ आए हुए हैं, बंगाली साड़ी, बंगाली साखा चूड़ी के साथ, जो बार बार अस्मिता की बात की जा रही है ना, बंगाली अस्मिता की, वो सारे रंग, वो सारे कलर आपको इस वक्त यहां रेयापारा में आपको नजर आ रहे हैं। और ममता दीदी बार बार ये कह रही है कि ये बंगाली अस्मिता की लड़ाई है, ये बंगाली पहचान की लड़ाई है। वो कहती है कि मैं फाइटर हूं, मैं किसी से डरती नहीं हूं, बाहरी को किसी को जगह नहीं मिलेगी। तो थोड़ी देर पहले जो ये रेयापारा इलाका बिल्कुल शांत से नजर आ रहा था, आपको एक बार फिर से मैं दिखाता हूं। मैं इनसे कहूंगा जो शंख लेकर ये यहां पर तैयार है ममता दीदी के वेलकम करने के लिए, कैसे करोगे शंख बजा के ममता दीदी का वेलकम? आप नहीं बजाओ? बस दो ही लोग, इतने सारे लोगों के पास शंख है, इतने सारे लोगों के पास शंख है, देखिए सबके हाथों में शंख है। ये देखिए एक लाइन से, एक कतार से ये शंख बज रहा है। ये टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यहां से ममता बनर्जी के विजय का शंखनाद है। ये टीएमसी कह रहे हैं कि ये गढ़ ममता दीदी का गढ़ है, ये टीएमसी का गढ़ है। यहां पर बाहरी और जो यहां की अब बांग्ला चाहे निजिर में ही ये बात यहां पर नजर आ रही है। इसलिए देखिए बिल्कुल पारंपरिक लिबास चाहिए, अपनी बेटी को बंगाल चाहता है। प्रत्युष, लौटेंगे आपके पास और तमाम सहयोगी, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खास कवरेज हिंदुस्तान पर लगातार जारी है।